ली है, मैं जरा इस थ्योरी को डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। प्लीज बातचीत बिल्कुल बंद और सुनो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन और एमलगमेशन एंड कन्वर्जन। ऑल दो कहने को भले ही दो चैप्टर हों, लेकिन मैं क्वेश्चन बीच में इधर उधर से करके लगवाता रहूंगा, ठीक है जी। आइए, अब पार्टनरशिप फर्म में भी डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है कौन सी सर्कमस्टांसेस में? नंबर वन, ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल एंड वन ऑफ द पार्टनर गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। बात को समझिएगा, या तो पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअल एक एग्रीमेंट पास करें और कहें कि ठीक है भाई हम लोग इस फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, तब वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज पार्टनरशिप की क्लॉज में लिखा है कि ये पार्टनरशिप इज एट विल चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक पार्टनर भी ये कहता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी जाए, तो पार्टनरशिप अगर विल पे है, एट विल है, तो अपनी इच्छा से है, तो जैसे ही उसने ये अपना इंटेंशन वो डिक्लेयर किया, तुरंत पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। अगला, वेयर द पार्टनरशिप इज फॉर्मड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट इज फुलफिल्ड। कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए पार्टनरशिप की गई है और वो काम पूरा होने के तुरंत बाद अपने आप क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप डिसॉल्व। यानी मान लीजिए हमने जो पार्टनरशिप फॉर्म की है उसमें लिखा गया है कि दिस पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्मड फॉर द पर्पस ऑफ दिस 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 वर्क, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ही वो काम खत्म होगा वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या मानी जाएगी? डिसॉल्व। आगे, ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी पे पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है एज पर कोर्ट्स ऑर्डर। हो सकता है कोर्ट ऑर्डर दे कि आप की फर्म को क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व कर दिया जाए। वेयर ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन आर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। सोचो, या तो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी पार्टनरशिप फॉर्म बेकार, क्यों भाई? ठीक, या फिर एक को छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाए, तो खाली एक सॉल्वेंट पार्टनर पार्टनरशिप थोड़ी ना चला सकता है। इसका मतलब कम से कम कितने सॉल्वेंट पार्टनर रहने चाहिए पार्टनरशिप के लिए? दो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने जहां सारे तो इंसॉल्वेंट नहीं हुए लेकिन सिर्फ एक के अलावा बाकी कोई सॉल्वेंट बचा भी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो फर्म क्या मानी जाएगी? इतनी बात समझ में? आगे, इफ एनी पार्टनर हैज पेड प्रीमियम टू अदर पार्टनर्स फॉर द कंडीशन दैट पार्टनरशिप विल नॉट बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, देन ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर अ सुटेबल रिफंड इफ द फर्म डिसॉल्व्स बिफोर स्टिपुलेटेड पीरियड। देखिए जी, अगर मान लीजिए कोई नया पार्टनर आया और हमने उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया, ठीक, एक्स्ट्रा पैसा किस बात के लिए? कि हम इस फर्म में तुमको अपने साथ 10 साल तक रखेंगे, चिंता मत करो हम तुम्हें अपने साथ 10 साल तक रखेंगे। पता लगा 2 साल बीतते ही फर्म डिसॉल्व हो गई, तो उस बेचारे ने तो पुराने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा पैसा दिया था, उसको अपना बेनिफिट पूरा मिल भी नहीं पाया था, तब तक फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व। तो इसी को कहते हैं कि पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर ने प्रीमियम दिया है इस बात के लिए कि फर्म एक डिसाइडेड टाइम तक चलेगी ही चलेगी, लेकिन फर्म उससे पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो प्रीमियम का पैसा है वो बचे पार्टनर्स को वापस करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पर उसका पे किया गया प्रीमियम रिफंड करने की जरूरत नहीं है, वो कौन कौन सी सिचुएशन है तो जरा आइए देखते हैं। ठीक, द पार्टनर विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी रिफंड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। उस पार्टनर को जिसने प्रीमियम दिया है उसको रिफंड नहीं मिलेगा कौन सी सिचुएशन में? नंबर वन, इफ द फर्म इज डिसॉल्वड ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ की वजह से फर्म डिसॉल्व हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रीमियम पार्टनर को प्रीमियम नहीं मिलेगा। अब तुम बताओ, क्या डेथ जानबूझ के होती है? नहीं, तो इसका मतलब है डेथ की वजह से अगर डिसॉल्यूशन हो रहा है तो फिर वो प्रीमियम के लिए एंटाइटल्ड, रिफंड ऑफ प्रीमियम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। अच्छा, इफ डिसॉल्यूशन इज ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर क्लेमिंग रिफंड। तुमने प्रीमियम दिया इस बात के लिए कि हम 10 साल तक कम से कम फर्म चलाएं, अब तुम ही शैतानी कर रहे हो, तुम ही पैसा चुरा रहे हो, तो इस सिचुएशन में अगर फर्म डिसॉल्व हो रही हो तो उसमें तो उसी पार्टनर की गलती है ना जिसने प्रीमियम दिया, तो हम जबरदस्ती प्रीमियम फर्म तो नहीं चला सकते। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसी पार्टनर की मिसकंडक्ट की वजह से फर्म डिसॉल्व हो रही है जिस पार्टनर ने प्रीमियम दिया, तो ऐसे सिचुएशन में उसको कोई रिफंड मिलेगा नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे, डिसॉल्यूशन इज इन परजोरेंस ऑफ एन एग्रीमेंट Containing no provision for the return of agreement premium. ऐसा प्रीमियम जो दिया तो गया लेकिन साथ में यह भी क्लॉज लिखा है कि अगर कल को किसी रीजन से फर्म डिसॉल्व हुई तो यह प्रीमियम वापस नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वापसी का कोई सवाल नहीं होता। इतनी बात क्लियर है बच्चों? आगे,
ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट एंड गुडविल विल बी अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर। ये बात तो आप भी जानते हो, आप सब लोगों ने कभी ना कभी 11 12th में पढ़ा जरूर है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी असेट्स को सेल करते हैं। बोलो हाँ या ना। जो पैसा आता है बच्चों उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले वो पार्टनरशिप फर्म अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज रिपे करेगी। क्या पे करेगी? आउटसाइड लाइबिलिटीज। जब आउटसाइड लाइबिलिटीज रिपे हो गई तो अब पेमेंट होगा पार्टनर्स के लोन का। अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है फर्म को तो उसका पेमेंट होगा। जब पार्टनर्स का लोन भी रिपे हो गया तब नंबर आएगा पार्टनर्स की कैपिटल का। और अगर ये सब देने के बाद भी अगर पैसा बच जाए तो वो पार्टनर्स को पे कर दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले किसका पेमेंट करोगे? आउटसाइड लाइबिलिटीज का, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का। और अगर वे सब करने के बाद भी पैसा बच गया तो सरप्लस अमाउंट विल बी रिफंड पेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतनी बात क्लियर। आगे रियलाइजेशन की अगर डेफिशिएंसी होती है, असेट्स रियलाइज किया पैसा कम मिला, तो कैसे मीट आउट किया जाए? नंबर वन, डेफिशिएंसी को अगर फर्म के पास कोई रिजर्व्स प्रॉफिट्स पड़े हैं तो उससे मीट आउट करो, अगर नहीं है तो पार्टनर्स की कैपिटल से मीट आउट करो, और अगर वो भी नहीं है तो फिर पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाके देंगे। क्यों भाई, ठीक है ना? तो जरा देखो तो ठीक, डेफिशिएंसी ऑन रियलाइजेशन विल बी मेट आउट इन फॉलोइंग ऑर्डर। नंबर वन, फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। नंबर टू, फ्रॉम कैपिटल ऑफ द पार्टनर। नंबर थ्री, सरप्लस डेफिशिएंसी इफ एनी कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो सही है, कोई दिक्कत? आगे, इफ अ पार्टनर इज अनेबल टू मीट हिज डेफिशिएंसी फ्रॉम हिज कैपिटल इन द फर्म एंड फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज देन ही विल बी एडजुडिकेटेड एज इनसॉल्वेंट। पढ़ा होगा, सुना होगा सब कुछ। अगर कोई पार्टनर की जो डेफिशिएंसी आ रही है वो उसकी कैपिटल से नहीं मीट आउट हो पा रही तो हम किसके पास जाएंगे? उसके पर्सनल रिसोर्सेज से। अगर वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी अपनी डेफिशिएंसी को मीट आउट नहीं करा पा रहा तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या अज्यूम किया जाएगा? इनसॉल्वेंट। और जैसे ही इनसॉल्वेंसी का केस आया तुरंत एक नाम याद आएगा, गार्नर वर्सेस मरे। सुना है? सुना है? हाँ या ना? ठीक। आए, इन केस ऑफ इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर His deficiency will be borne by the remaining partner as per the agreement made by the partners. अगर कोई partner insolvent हुआ तो उसकी deficiency को बचे partners बांटेंगे कैसे? As per the agreement. मान लो हम तीन partner हैं, तो agreement बना हुआ है कि अगर कल को कोई भी insolvent हुआ तो बचे partners उसकी deficiency को 1:1 में बांटेंगे। तो फिर Garner versus Murray की अभी बात नहीं करना, फिर हम क्या कहेंगे? अरे जब एग्रीमेंट में लिखा है तो जैसा एग्रीमेंट कहता है वैसा ही करेंगे, डेफिशिएंसी को उसी रेशियो में बांटेंगे जैसा किसमें लिखा है? एग्रीमेंट में। बोलो सही है। लेकिन 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 सर, अगर कोई इंसॉल्वेंट हुआ और एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा? तो होगा ये, इफ नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट इज मेड फॉर बियरिंग डेफिशिएंसी देन सच डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एज पर गार्नर वर्सेस मरे। अगर अगर ठीक पार्टनर्स की डेफिशिएंसी को बियर कराने से रिलेटेड कोई क्लॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं पड़ा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में डेफिशिएंसी बियर कराने के लिए हम लोग क्या कौन सा वो यूज करेंगे? गार्नर वर्सेस मरे के रूल का यूज करेंगे। बोलो सही है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। लो जी, 8th पॉइंट पढ़ूंगा, 9th नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसको क्वेश्चन में यूज करना है। 8th काम का है, बस उतना सुन लीजिए अभी के लिए। As per Garner versus Murray rule, the deficiency of insolvent partner will be borne by the solvent partners in ratio of their capitals. Garner versus Murray rule ने कहा था कि जो insolvent partners की deficiency है वो क्या किसमें bear की जाएगी? ठीक, solvent partners bear करेंगे अपनी capitals के ratio में। ठीक, deficiency of insolvent partners will be bear या will borne by the solvent partners in ratio of their कैपिटल्स। अब कैपिटल का रेशियो निकालते समय थोड़ा सा इधर उधर बातें करेंगे, वो पॉइंट नंबर 9 में है, लेकिन अभी नहीं करूंगा, जब क्वेश्चन करा रहूंगा तभी करूंगा। ठीक है, हम आते हैं इधर। ये लो, लिमिटेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल, बड़ा बढ़िया सा पॉइंट है। कहते हैं एज पर गार्नर वर्सेज मरे रूल, सॉल्वेंट पार्टनर विल बियर द डेफिशिएंसी ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर इन रेशियो ऑफ कैपिटल, बट इफ अ सॉल्वेंट पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट He will escape from his liability. एक पार्टनरशिप फॉर्म है सर, जिसमें मैं पार्टनर हूं और बचे दो और पार्टनर है। जो बचे दो और पार्टनर है
वो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं और मैं ठहरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे सारे लॉ का पता है, मुझे पता है कि कल को अगर कोई इंसॉल्वेंट हुआ तो ठीक डेफिशिएंसी किसमें बियर होगी, कैपिटल्स, कैपिटल्स के रेशियो में। अब मुझे मालूम है मेरे दो में से एक पार्टनर की हालात खराब चल रही है, क्यों? तो ऐसे सिचुएशन में मैंने दिमाग लगाया कि ये कंडीशन या ये दिन देखना पड़े कि मुझे उसकी डेफिशिएंसी बियर करनी पड़े, क्यों ना मैं अपनी कैपिटल से सरप्लस पैसा निकाल लूं। दिमाग लगाया और सबको समझा बुझा के मैंने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया, और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यानी एक दो महीने तीन महीने बाद पता लगा कि एक पार्टनर उसमें से क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। जैसे ही इंसॉल्वेंट हुआ तुरंत मैंने क्या कहा, अरे देखो मेरी कैपिटल तो डेबिट में है, और अगर मेरी कैपिटल डेबिट में है तो भाई मैं इस डेफिशिएंसी को बियर करने के लिए लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि गार्नर वर्सेस मरे क्या कहता है कि भाई डेफिशिएंसी किसमें बियर की जाए, कैपिटल्स के रेशियो में, और मेरी कैपिटल तो यार पॉजिटिव में है ही नहीं, निगेटिव में, तो मैं इस डेफिशिएंसी कैसे बियर कर सकता हूँ, ये मुझसे ना हो पाएगा। क्यों भाई? ठीक है, इस तरीके से मैं डेफिशिएंसी बियर करने के लायबिलिटी से बच सकता हूं। ये इसका एक क्या है, ड्रॉबैक। आई बात समझ में? इसी लिमिटेशन या ड्रॉबैक जो कह दो, ठीक, ये इसका क्या है, एक लिमिटेशन। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। अच्छा लो जी, एक और बात, द गार्नर वर्सेज मरे रूल विल नॉट बी अप्लाइड व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिलेटिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पहले से ही पड़ा हुआ है, क्यों भाई, तो ऐसी सिचुएशन में गार्नर वर्सेस मरे के बारे में मत सोचना, ठीक, हमें उसी स्पेसिफिक प्रोविजन के अकॉर्डिंगली काम करना है। और फिर लिखा है व्हेन ओनली वन पार्टनर इज सॉल्वेंट, अगर सिर्फ एक पार्टनर सॉल्वेंट है तो उस सिचुएशन में रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गार्नर वर्सेस मरे की, सॉरी लायबिलिटी उसी की आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशंस में गार्नर वर्सेस मरे के हमारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, एज पर गार्नर वर्सेस मरे रूल सॉल्वेंट पार्टनर्स हैव टू ब्रिंग देयर शेयर ऑफ लॉस इन ऑन रियलाइजेशन इन कैश। ये हम क्वेश्चन में बात करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, यहां तक की बातें सही है। तो एक मेजर बातें कि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, ठीक है ना जी, तो क्यों क्यों डिसॉल्व होती है, या तो सारे पार्टनर्स मिल बांट के इकट्ठा डिसीजन लेने की भाई डिसॉल्यूशन करेंगे, या फिर ठीक पार्टनरशिप इज एट विल है और पार्टनर, एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि भाई डिसॉल्व कर दिया जाए तो बात खत्म, या हो सकता है किसी की डेथ या क्या नाम है इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसॉल्यूशन हो, बोलो, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्यूशन हो, तो ये सारे रीजन है जो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करवाते हैं। जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी और किसी पार्टनर ने प्रीमियम दिया हुआ है अदर पार्टनर्स को इस बात के लिए कि फॉर्म एक डिसाइडेड टाइम पीरियड से पहले डिसॉल्व नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर फॉर्म जल्दी डिसॉल्व होती है तो उसको अपने उस प्रीमियम के अमाउंट का रिफंड मिलेगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में वो रिफंड नहीं मिलेगा, कब कब, नंबर वन, अगर पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन किसी की डेथ वेथ की वजह से हो रहा है तो, क्योंकि उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, डिसॉल्यूशन उस पार्टनर की मिसकंडक्ट की वजह से हो रहा है, जो रिफंड मांग रहा है उसी के मिसकंडक्ट की वजह से डिसॉल्यूशन हो रहा है, तब भी रिफंड नहीं मिलेगा। या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में स्पेसिफिक क्लॉज पड़ा हुआ है कि भाई किसी तरीके का कोई प्रीमियम रिफंड नहीं किया जाएगा इस रीजन की वजह से अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो रीजन अकर हुआ तो फिर कोई प्रीमियम रिफंड नहीं किया जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी तो हम फॉर्म की सारी असेट्स को पहले सेल करेंगे, सेल करेंगे तो जो पैसा आएगा उससे पहला क्या इस पर पेमेंट करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज का। उसके बाद जो पैसा भी बचेगा उससे पार्टनर्स का लोन रिपे होगा, उसके बाद बचा तो पार्टनर्स की कैपिटल, और अगर फिर उसके बाद भी बच गया तो पीएसआर में बांट देंगे, बोलो ठीक है। अगर मान लीजिए लायबिलिटीज पे करने में ही इधर ठीक लायबिलिटीज पे करने में ही पैसा कम पड़ जाए तो वो पैसा ठीक डेफिशिएंसी जिसे कहेंगे हम पार्टनर्स को बियर करनी पड़ेगी। कैसे बियर करेंगे? पहले तो चेक करो कि क्या पार्टनरशिप में कोई रिजर्व विजर्व तो नहीं है, अगर रिजर्व्स है तो उससे बियर करा लो, या प्रॉफिट्स है तो उससे बियर करा लो। अगर वो नहीं है तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल से बियर करवाएंगे, और मान लो कैपिटल भी खत्म हो गई सारी, ठीक, तब भी डेफिशिएंसी बच रही है तो ये डेफिशिएंसी पार्टनर अपने घर से लाके यानी पर्सनल रिसोर्सेज से लाके देंगे। अगर कोई पार्टनर अपनी डेफिशिएंसी का हिस्सा कैपिटल से भी नहीं बियर करा पाता और उसके बाद उसके पर्सनल रिसोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टनर क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में अगर किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होती है तो उसकी डेफिशिएंसी को बचे पार्टनर्स बियर करेंगे एज पर द क्लॉज इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डेफिशिएंसी बियर कराने का कोई क्लॉज है तो डेफिशिएंसी उसी बेसिस पे बियर करवाई जाएगी। बट मान लो
डेफिशिएंसी बियर कराने का कोई क्लॉज हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं है, तो हम कौन से प्रोविजंस को देखेंगे? गार्नर वर्सेस मरे। और गार्नर वर्सेस मरे का प्रोविजन क्या कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक, अब कैपिटल्स का रेशियो बनाना मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया, वो बात की बात है। हाँ, लिमिटेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे ये है कि अगर कोई सॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है, अपनी कैपिटल डेबिट में रखता है तो ऐसी सिचुएशन में गार्नर वर्सेस मरे प्रिंसिपल अप्लाई करते समय वो अपनी लायबिलिटी से स्किप कर जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। फिर और एक बात, गार्नर वर्सेस मरे रूल कब नहीं अप्लाई होगा? जब कोई स्पेसिफिक क्लॉज हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में है रिगार्डिंग डेफिशिएंसी, या फिर सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए पार्टनर सिर्फ एक को छोड़ के, तब भी गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई नहीं होगा। उम्मीद है इतनी थ्योरी याद हो गई सभी को। ठीक, चलिए आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं। चलो जी स्टार्ट करूं। देखो जी, वैसे तो ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पहले जर्नल एंट्रीज लिखवाता हूं और फिर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, बट यहां आपको मैं सीधे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, कोई हम लोग जर्नल एंट्री वगैरह पहले नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आराम से, बहुत आराम से सारा काम खत्म कर लेंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए जरा जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर टू निकाल लीजिए सभी लोग। वो हमारे कंटेंट का पार्ट ही नहीं है बेटा। ठीक है, जो ये जो पूछ रही है जरा उसका जवाब सुन लीजिएगा जी। इनका ये पूछना है कि क्या हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये सब नहीं पढ़ रहे? तो जवाब है नहीं, वो पुराने कंटेंट में हुआ करता था, अब न्यू कोर्स में, न्यू कोर्स जो इंटर का है, ठीक है, सीएमए वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, न्यू कोर्स जो इंटर का है उनके कंटेंट में सीधे, ठीक, आपका डिसोल्यूशन से ही शुरुआत है। और इसलिए शुरुआत है कि अब ये सारी चीजें निकल करके नए कोर्स के फाउंडेशन कंटेंट में चली गई है। ठीक, जैसे कि आपने शायद सीपीटी में पढ़ा होगा, तब ये चीजें वहां नहीं पढ़ी होंगी, तब हम क्योंकि ये आईपीसीसी लेवल पे पढ़ाते थे, बट अब आज की डेट में जो न्यू कोर्स पढ़ाते हैं, न्यू कोर्स में ये चीजें निकल के फाउंडेशन लेवल पे चली गई हैं, तो हमें सीधे कहां से पढ़ाना होता है? डिसोल्यूशन। एक एक स्टेप पीछे ले गया इंस्टीट्यूट। पहले ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये ग्रुप टू में पढ़ाया करता था, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ग्रुप वन में पढ़ाया करता था, फाउंडेशन में इससे रिलेटेड कुछ नहीं होता था। अब क्या हुआ है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ फाउंडेशन में चला गया, ग्रुप टू का कंटेंट ग्रुप वन में आ गया, और अब ग्रुप टू में कुछ नहीं पढ़ाना है। आई बात समझ में जी? चलिए स्टार्ट करें हम लोग। आइए, राम रहीम एंड एंथनी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। देखिए जी, तीन पार्टनर्स हैं, राम, रहीम और एंथनी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 1/2, 1/3, 1/6 का मतलब 3:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2016 व्हेन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म अपीयर्ड एज फॉलोज। ये लोग अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं कब? 31 मार्च 2016 को, जब आपके सामने बैलेंस शीट कुछ ऐसे दी गई है, गुडविल अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, ज्वाइंट टाइप पॉलिसी है, कमीशन रिसीवेबल है और कैश इन हैंड है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जेएलपी का रिजर्व बना रखा है, लोन फ्रॉम मिसेज राम है, कैपिटल अकाउंट्स है, और क्या क्या डिटेल लिखी है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया गया है 2,32,500 में। राम ने गुडविल और प्लांट एंड मशीनरी को ले लिया है बच्चों 9 लाख रुपए में। उसके बाद राम ने बैंक ओवरड्राफ्ट और मिसेज राम का लोन भी टेक ओवर कर लिया है। फर्नीचर और स्टॉक को दो राम और रहीम ने इक्वली ले लिया है एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 3,60,000। डेटर्स को फर्म्स के क्रेडिटर को असाइन कर दिया गया इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। कमीशन रिसीवेबल वाज रिसीव्ड इन टाइम। और फिर लिखा है, अ बिल डिस्काउंटेड वाज सब्सिक्वेंटली डिसऑनर्ड एंड प्रूव्ड वैल्यूलेस ₹30,750 इंक्लूडिंग 500 नोटिंग चार्जेस। राम पेड द एक्सपेंसेस ऑन डिसॉल्यूशन अमाउंटिंग टू 18,000। एंथनी अग्रीड टू रिसीव 1,50,000 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज राइट इंटरेस्ट इन द फर्म। You are required to show the accounts relating to closing of books at the time of dissolution of the firm. तो जहां तक बात कौन से accounts बनेंगे, तो देखिए जी, dissolution के केस में सबसे main account, जो सबसे पहला account होता है, वो है realization account, उसके बाद partners का capital, और उसके बाद finally cash and bank account, बस ये तीन काम करना होता है हमें। तो चलिए start करें सर, आओ लिखो problem number 2।
लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। सबसे पहला काम, हम सारी असेट्स और सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो बताओ बच्चों, गुडविल है बुक्स में, ट्रांसफर करो। कितने की वैल्यू? 4,56,300। ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 6,07,500। उसके बाद फर्नीचर 64,650। ठीक है। उसके बाद स्टॉक 2,36,700। जितनी भी असेट्स हैं जो कि बिकेंगी या बिकने वाली हैं, उनको हम ट्रांसफर कर देंगे। अगला डेटर्स 5,34,000। बोलो बच्चों, ठीक है। आगे टू जे एल पी, बताओ 2,65,500। और टू कमीशन रिसीवेबल कितना? 140,550। बोलो सही। कैश एंड बैंक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कैश के फॉर्म में, उसको थोड़ी ना बेचना है। बोलो बच्चों, लाइबिलिटीज देखो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बताओ, संडी क्रेडिटर्स आएंगे? आएंगे। कितने के? 5,67,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है कि नहीं है? हाँ भाई है। बोलो ठीक है ना। कितने से? 6,06,450। बच्चों बोलो ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जेएलपी रिजर्व लाइबिलिटी नहीं है बेटे, मिसेज लोन, मिसेज राम का लोन, वो लाइबिलिटी बाय लोन फ्रॉम मिसेज राम। याद रखना, राम का लोन होता पार्टनर का तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं बनता, लेकिन मिसेज राम का लोन है इसलिए वो आउटसाइड लाइबिलिटी है। बात समझ में आई? पार्टनर का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होता, लेकिन पार्टनर के स्पाउस का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है, या किसी थर्ड पर्सन का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी। उसके बाद है कैपिटल्स, वो भी नहीं आएंगे। बोलो ठीक है। तो चलो, हमने सारी असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, जितनी भी एक्सटर्नल नेचर की हैं। और अब हम एक एक करके देखें तो जरा हमारी असेट्स वगैरह कैसे कैसे रियलाइज हो रही है। मैं जितना बोल रहा हूँ जरा सुनिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। बोलूं बेटे? बोलूं? आपको कुछ नहीं करना, पहले मेरी बात को बहुत पेशेंसली सुनना है, ठीक है? पॉइंट नंबर ई, Sundry debtors were assigned to firm's creditor in full satisfaction of their claim. लिखा है, यानी कि इधर देखो, इधर तुमने यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारा काम खत्म। ना ही डेटर से तुम्हें कोई पैसा रियलाइज होगा, ना ही क्रेडिटर को तुम्हें कोई पैसा देना है, ये दोनों लोग आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। बोलो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ना मैं डेटर से कोई पैसा खुद ले रहा हूं, ना मैं क्रेडिटर को कोई पैसा खुद दे रहा हूं, दोनों को आपस में मिला दिया है। अब दोनों लोग आपस में मिलकर सेटलमेंट कर लेंगे, ना मुझे कुछ मिलना है ना मुझे कुछ देना है। बात खत्म, ठीक? क्लियर है? क्लियर है? आपको काटना नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कट लगा रहा हूं। बोलो ठीक है। आगे सुनो, फिर बोलूं, क्वेश्चन में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला ए पॉइंट क्या लिखा है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गई और कितना पैसा मिला? 232,500। बोलो ठीक है। ये देखो इधर जेएलपी का भी पैसा रियलाइज हो गया। बच्चों बोलो ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर एफ पढ़ो। कमीशन रिसीवेबल वाज रिसीव्ड ऑन टाइम,
कमीशन भी मिल गया, बोलो ठीक है कितना, 1,40,550, बोलो ठीक है, कोई समस्या? हाँ जी, अच्छा तो कैश इन दोनों के अलावा और कोई नहीं मिला है बेटा, जरा टोटल करो तो 2,32,500 प्लस 1,40,550 टोटल 3,73,050, 373,50, बोलो ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आओ, राम साहब जो हैं, बी पॉइंट पढ़ते हैं, राम जो है ना, राम वो हमसे दो तीन असेट्स ले रहे हैं, देखो कौन सी, एक तो गुडविल ले ले रहे हैं, बोलो हाँ या ना, कितने रुपए में, गुडविल एंड प्लांट एंड मशीनरी ले ले रहे हैं, दोनों ले ले रहे हैं, कितने रुपए में, 9,00,000। इधर देखो बच्चों, गुडविल भी बिक गई, क्यों, प्लांट एंड मशीनरी भी बिक गई, कितने रुपए में बिक गई, टोटल 9,00,000, कौन ले गया, राम, बोलो सही है। और भी दो चीजें बिकी हैं, ध्यान दो, पॉइंट नंबर डी, फर्नीचर और स्टॉक, ये टोटल 3,60,000 में बिक रही हैं, कौन ले रहा है, राम भी ले रहे हैं, रहीम भी ले रहे हैं, इक्वल इक्वल, इसका मतलब राम ने फर्नीचर और स्टॉक लिया 1,80,000 का, बोलो ठीक है, तो फर्नीचर और स्टॉक राम ने इसमें से आधा लिया 1,80,000 का, तो इसका मतलब राम ने टोटल असेट्स ली ये, इधर देखो 10,80,000, बोलो बच्चों, जबकि कुछ असेट्स किसने ली, रहीम ने, उसने भी आधा फर्नीचर और आधा स्टॉक लिया, बोलो लिखा है ना, तो फर्नीचर एंड स्टॉक का आधा हिस्सा उसने लिया 1,80,000 में, यानी कि ये 1,80,000 आ गया, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। चलो तो कुल मिलाकर हमारी शायद सारी असेट्स बिक गई, देखो बेटा क्या हमारी शायद सारी असेट्स बिक गई, हाँ कोई बिक गई, कोई एक्सचेंज हो गई, किसी को पार्टनर ने ले लिया, अल्टीमेटली ठीक, बोलो सही है। अब आओ पॉइंट नंबर पढ़ते हैं, सी, राम एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मिसेज राम्स लोन, लिखा है, लिखा है सामने देखो बच्चे, टू राम्स कैपिटल, राम हमारी दो लाइबिलिटियां और ले रहे हैं, एक तो ओवरड्राफ्ट, बोलो हाँ या ना, और मिसेज राम का लोन, कितने रुपए का है वो, 1,50,000, बच्चों बोलो ठीक है, जरा सामने देखो, तो सामने देखो, ये भी बिक गया, वो बिक नहीं, सॉरी ये भी सेटल हो गया और ये भी सेटल हो गया, बोलो सही, टोटल मत करना अभी, ये हो गया पहले बताओ, और सुनो, ए पॉइंट करवा दिया मैंने, बी पॉइंट करवा दिया मैंने, सी करवा दिया, डी करवा दिया, ई करवा दिया, एफ भी करवा दिया, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। अब आओ पहले एच पॉइंट पढ़ो, एच क्या लिखा है, राम साहब ने हमारे एक्सपेंसेस भी पे कर दिए, अब तुम खुद सोचो, अगर मैं खुद ये काम कर रहा होता, यानी फर्म कर रही होती, तो एंट्री रिसीव रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, लेकिन ये पेमेंट फर्म ने नहीं किया, किसने कर दिया, राम ने कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्सपेंसेस का जितना पैसा है वो भी किसने पे कर दिया, राम ने, तो बताओ राम के कैपिटल अकाउंट को टोटल कितने से डेबिट करें, बोलो बच्चों सही है बेटा, सही है, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई, हाँ अब जरा और ध्यान दीजिए, यहां तक ठीक, अब जरा और ध्यान दीजिए, इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद, ठीक है ध्यान दीजिएगा, फर्म को एक पेमेंट अपनी जेब से करना पड़ा, पढ़िए क्वेश्चन के पॉइंट नंबर जी को, एक बिल डिस्काउंट हुआ था जो आगे चल के क्या हो गया, डिसऑनर एंड प्रूव्ड वैल्यूलेस, 30,750 टोटल पेमेंट करना पड़ा इंक्लूडिंग 500 नोटिंग चार्जेस, बोलो सही, ये सब आप लोग जानते हैं, 11 12th में सारी बातें पढ़ के आए हो, कि अगर हम कोई बिल बैंकर से डिस्काउंट कराते हैं ठीक, और कल को वो बैंकर जब बिल का पैसा लेने उस पर्सन के पास जाता है जिसने बिल हमें एक्सेप्ट करके दिया था, तो अगर कल को वो पर्सन पैसा ना दे तो पैसा किसको भरना पड़ेगा, हम ही को, क्यों भाई, ठीक, जो बिल हम डिस्काउंट कराते हैं, अगर कल को बैंक वाले को उसका पैसा उस पर्सन से ना मिले जिसने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये पैसा डिस्काउंट करवाने वाले को पे करना पड़ेगा, ऐसा ही फर्म के साथ भी हुआ, इसने एक बिल डिस्काउंट कराया था, तो आज जिसने बिल एक्सेप्ट करके दिया उसने तो पैसा दिया नहीं, वैल्यूलेस हो गया वो पैसा, प्रूव्ड वैल्यूलेस हो गया, तो इसका मतलब अब ये पैसा हमको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, और हम जब भरेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो ठीक है, तो बताओ
कितना पैसा भरना पड़ेगा बीआर का? 30,750। उसमें खर्चे भी जुड़े हुए हैं, अगर ना जुड़े हुए होते तो मैं अलग से जोड़ देता, लेकिन उसने लिखा ना इंक्लूडिंग है, तो इंक्लूडिंग है, अच्छी बात है, इंक्लूडिंग है तो बात ही खत्म। कोई समस्या बच्चे? ठीक है। अच्छा, अगर एक्सपेंसेस फॉर्म दे रही होती तो मैं यहीं पे एक्सपेंसेस लिखा होता, लेकिन एक्सपेंसेस फॉर्म ने ना देखे किसने दे दिए थे? राम ने। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई बच्चों। जरा जल्दी से इतना टोटल कर दिया जाए। लॉस आ गया और ये आया है 1,53,900 का। आ रहा है भाई सबका? आया लॉस 1,53,900। बोलो अगर आ रहा है तो ये लॉस कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट्स में। बच्चों बोलो ठीक है, ठीक है। और ये बताओ हमारे पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? राम, रहीम और एंथनी। ठीक है, बोलो ठीक है। और पीएसआर है 3:2:1, तो 1,53,900 के लॉस को जल्दी से पीएसआर में बांट दिया जाए बच्चों। हाँ सर। अरे हमने कहाँ पैसा दे दिया अभी उसको, क्यों परेशान हो? ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो अभी बेटा? कैपिटल अकाउंट बनवा रहा हूं। ठीक है, बोलो यही आया बच्चों। बेटा बोलो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,53,900 और किस रेशियो में गया? पीएसआर में, जो कि है 3:2:1 आ गया जी ये लॉस। क्या चीज सही नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आ रहा है? 25,650 टोटल देख लेना बस, टैली हो रहा है ये सही है? ठीक, 25,650। ठीक, सबका आ गया जी, सबका आ गया भाई, हो गया। अब आगे बढ़ें क्या? बोलो बच्चों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए क्या हम अपनी बातचीत शुरू करें? बेटा क्या हम अपनी बातचीत शुरू करें? आइए सबसे पहले इन लोगों की कैपिटल्स को ब्रॉड डाउन करिए। तो लिखिए बाय बैलेंस बीडी। बताओ कैपिटल 4,20,000 और बच्चों 2,25,000 और 1,00,000
20,000। हो गया सभी का? बोलो भाई। चल आगे बढ़ जाऊं, कैपिटल लिख ली। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान दो, ये बात आप सब लोग जानते हैं, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, पीएसआर बदलिए, कोई भी काम हो, डिसोल्यूशन हो, कुछ भी हो, अगर फर्म की बुक्स में कोई रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो वो रिजर्व्स हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं इन रेशियो ऑफ देयर पीएसआर। बोलो हाँ या ना। तो बताओ कोई रिजर्व है क्या? है। कौन सा रिजर्व है? जेएलपी रिजर्व। तो जरा जेएलपी रिजर्व को पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दो इन रेशियो ऑफ देयर पीएसआर। 265,500 इंटू 3/6 132,750। और बताओ 88,500। बोलो बच्चों और बताओ 44,250 कर दिया क्रेडिट। तो चलिए बाय बैलेंस बीडी ये भी हो गया और जेएलपी रिजर्व लिख लिया, लिख लिया। अब आगे बात करूं बच्चों, बोलो इसके अलावा हमारे पार्टनर्स ने कुछ असेट्स भी ली हैं या दी हैं, तो जरा ध्यान देना बाय रियलाइजेशन। ये देखो राम ने लायबिलिटी ली थी 7,74,450 की। बोलो हाँ या ना। जबकि राम और रहीम ने असेट्स ली हैं दोनों ने, बताओ राम ने कितने की? 10,80,000। बोलो हाँ या ना। और रहीम ने कितने की? 10,80,000। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो तो बैलेंस भी ब्रॉट डाउन हो गया, रिजर्व्स भी दिखा दिया, रियलाइजेशन से जो असेट लायबिलिटी ली वो भी लिख दिया। अब एक चीज अभी और बाकी रह गई, रियलाइजेशन का लॉस। तो बताओ 76,950 इनको बियर करना है, 51,300, 25,650। यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें समझ में आ रही हैं सभी को। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़ जाऊं। चलो अब जरा इधर देखा जाए, अब जरा इधर देखा जाए, सभी लोग इधर देखिए प्लीज। पहले बताइए यहां तक ठीक है बेटे? यहां तक ठीक है? आप सुनो, इधर स्टार्ट करूं, सारा काम तो कर दिया। अब हुआ ये, जो एंथनी साहब हैं वो फर्म में कहते हैं कि हम अपने फुल सेटिस्फेक्शन में कितना पैसा लेना चाहते हैं, 1,50,000, और बाकी बचे पार्टनर्स को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए लिखा है एंथनी अग्रीज टू रिसीव 1,50,000 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द फर्म। ये कहते हैं भैया हम 1,50,000 रुपए लेके जा रहे हैं, ठीक पूरा, अब उसके ना अलावा ना कुछ देंगे ना कुछ लेंगे, हमें इतना दे दो, ठीक बाकी लोगों को भी इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, दे दो इनको जरा। तो आओ जरा देते हैं टू कैश या टू बैंक से, कितना दे दें? 1,50,000। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या? अब जरा इधर देखो, इधर देखो, ये बताओ एंथनी ज्यादा ले गए या कम लेके गए? निकालो, क्यों भाई बताओ बेटे, एंथनी ज्यादा पैसा लेके गए कि कम? ज्यादा ले गए। कितना ज्यादा ले गए? 11,400 ले गए ना, क्यों भाई? ज्यादा ले गए। और अब इनका जितना एक्सेस अमाउंट है वो कौन बियर करेंगे फिर? राम और रहीम। लेकिन यहां कोई इंसॉल्वेंसी नहीं है, इसलिए गार्नर वर्सेस मरे के ऊपर दिमाग मत लगाना अभी, ठीक? यहां तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, हम दो पार्टनर मिलके तीसरे को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, बोलो ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में कोई इंसॉल्वेंसी नहीं है, इसलिए गार्नर वर्सेस मरे का ख्याल अपने दिमाग में अभी मत लाना। तो बताओ इनकी डेफिशिएंसी को कौन कौन बियर करे? राम और रहीम किस रेशियो में बियर करेंगे? अपने पीएसआर में। और पीएसआर क्या है इनका दोनों का? 3:2। तो चलो जरा जल्दी से इनकी डेफिशिएंसी बियर कराओ 11,400 को, 6,840 और जी 4,560। ये लो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री,
टू एंथनीज कैपिटल 6840 और 4560। अब जल्दी से फाइनली इनको बताओ कितना पैसा दे दें, बताओ। वन लैख 63,410, बोलो भाई। सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स फोर्टी, बोलो ठीक है। इतना जल्दी से कंप्लीट करो, हमारे दो चीजें कंप्लीट, अब हम आ रहे हैं तीसरी और आखिरी चीज कंप्लीट करने पे। आ जाएं जी, लिखिए कैश एंड बैंक अकाउंट। लिख लिया, आ जाओ बच्चों, बातचीत बिल्कुल बंद और सुनो। जितना कैश इन बैंक का बैलेंस है, एक तो वो ओपनिंग में ब्रॉट डाउन करो, याद रखना वो बैलेंस हम रियलाइजेशन में नहीं ले गए थे। और क्यों नहीं ले गए थे, क्योंकि उसको थोड़ी ना रियलाइज कराना, वो तो पहले ही रियलाइज फॉर्म में, ठीक है। तो चलो बताओ 48750, बच्चों बोलो और सुनो। टू रियलाइजेशन से क्या कुछ कैश आया है, बोलो। आया है, आया है 3,73,050 मिला। अरे ये रहा भाई, ये रहा, ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या बाय रियलाइजेशन से कुछ कैश पे हुआ है, 30,750, बोलो ठीक, बोलो ठीक। अच्छा, यहां तक ठीक। और जरा यहां एक चीज लिख रहा हूं, जरूरत अभी नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूं यहीं पे बढ़ा के, ये बात याद रखना, अगर कोई पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर का लोन, तो वो ना ही आउटसाइड लायबिलिटी है ना ही वो कैपिटल के साथ मर्ज होगा, उसका पेमेंट हम कैश एंड बैंक अकाउंट से करेंगे, ठीक है। याद रखना, लिखवाया था कि पार्टनर के लोन का पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटी के बाद करते हैं लेकिन कैपिटल से पहले करते हैं, बोलो सही। तो पार्टनर का लोन फिलहाल है नहीं, क्योंकि लोन जो था वो मिसेज राम का था, मिस्टर राम का होता तो फिर हम उसको पैसा यहां से पे करते, बोलो ठीक है। अब बताओ कैपिटल का पेमेंट बाय कैपिटल अकाउंट्स, किसका किसका पेमेंट हुआ, तो राम का, रहीम का और एंथनी का। एंथनी ले गए 1.5 लाख, बोलो हाँ या ना। राम और रहीम लेके गए कितना कितना, 163,410 और 77,640। जरा जल्दी से टोटल किया जाए, थ्री लैक्स 91,050, बोलो बेटे, 3,91,050, सही है। बेटा सही है, टोटल करिए कि क्या आपका कैश एंड बैंक अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं, बोलो भाई हो रहा है बेटा, बोलो।
हो गया सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 18 निकालो जल्दी से। निकाल लिया। चलो ड्रॉ करो। सबसे लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, सभी लोग रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करो। कर लिया ड्रॉ। चलो अब जरा सामने देखना शुरू करो और मेरी बात को सुन। स्टार्ट करें बच्चों, बोलो। ठीक, आइए असेट्स को पहले तो ब्रॉड डाउन करिए। टू प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000, टू फिक्स्चर्स 2, स्टॉक 2, डेटर्स 48,000। हो गई सारी असेट्स, कैश आएगा नहीं, बोलो। ठीक है, लाइबिलिटीज में आओगे तो सिर्फ एक ही लाइबिलिटी दिखेगी और वो है क्या? क्रेडिटर्स। कितने का बच्चों? 48,000, बोलो सही है। हाँ भाई, अब सुनो। लो जी, ये कह रहा है असेट से रिलेशन कुछ ऐसे ऐसे होगा, बोलो। ठीक है, तो आइए बाई कैश और एक एक करके सारी असेट्स का अमाउंट लिख लिया जाए। प्लांट एंड मशीनरी से ठीक, उसके बाद फिक्स्चर्स 18,000, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद डेटर्स 44,400 टोटल 2,48,400, बोलो सही है। क्यों भाई? असेट से आ गया पैसा। अब जरा आओ जरा क्वेश्चन में देखो, बोलूं? ये लो, टू बैंक से पेमेंट दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊं बच्चों? दिखाऊं? नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखो लिखा है क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ, तो 48,000 में 5% डिस्काउंट माइनस करो और पेमेंट करो 45,600, बोलो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आओ, एक्सपेंसेस गए कितने के? 1,500, जल्दी बोलो, बोलो। ठीक है, आगे एक बिल 4,200 रुपए का सेल्स टैक्स का मिला है, ठीक, और इसको भी रियलाइजेशन के टाइम पे मिला है तो इसको भी पे करना है। देखो लिखा है ना, अब उस बिल का पेमेंट करेंगे सेल्स टैक्स का, तो ये लो सेल्स टैक्स कितना गया? 4,200, सही है। टोटल पेमेंट अब तक का बताओ कितना हुआ? 51,300, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक बच्चों, यहां तक ठीक। अब सुनो, इसके बाद लिखा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 6,000 विच वॉज टेकन ओवर बाई क्यू एट 4,800, बोलो। लिखा है एक ऐसी असेट थी जिसकी वैल्यू 6,000 थी, बुक्स में दिखाई ही नहीं हुई थी, लेकिन उसको क्यू ने ले लिया 4,800। अच्छी बात है, हमें तो बैठे बैठा है 4,800 का प्रॉफिट हो गया। क्यों भाई? अरे किसी चीज को नहीं दिखा रखा बुक्स में और वो तब भी जाते जाते हमें 4,800 रुपए किताबों में दिला जाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। ठीक, तो ये लो बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितने में लिया? ठीक, तो जरा बैलेंसिंग किया जाए, प्रॉफिट लॉस क्या आएगा जल्दी बताइए।
9,900 का प्रॉफिट, तो ये लो टू प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट्स, बोलो सही है। और कौन कौन प्रॉफिट पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर, बच्चों बोलो। 9,900 का प्रॉफिट आया और इसका टोटल आया था 301,200, बोलो ठीक है। हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत। अब 9,900 के प्रॉफिट को 2:1 में बांट दीजिए, 1,20,480, बोलो। ओ सॉरी गलत बोल, 9,900 का प्रॉफिट है इनटू 2/5, 3,960 और 3,960 और 1,980, बोलो बच्चों ठीक है। ठीक है 3,960, 1,980 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना, कैपिटल अकाउंट बनाना है वो आप बना के लाइएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है वो आप बना के ले आइएगा, हो जाएगा। होमवर्क में लिख लीजिए, इतना करके ले आइएगा, अगली क्लास में आगे बात करूंगा। यहां तक ठीक, कोई दिक्कत? चलिए।